Hello, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. I am Mohit Dhawan and today I am going to talk about chapter number 5 linear equation in one variable of class 7. आज हम class 7 के chapter number 5 linear equations in one variable के बारे में बात करेंगे. इस टॉपिक के ऊपर पहले ही तीन वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट किए हैं. बहुत सारी चीज़ें जानिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स कोफिशियंट बहुत सारी चीज़ें, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कितने टाइप की इक्वेशन होती है, ठीक है. और एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2 को भी कंप्लीट कर लिया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप 5.1 एंड 5.2 को भी देख सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 को कंप्लीट. काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 9 क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 5.3 करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आपने 5.2 नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना हो, सभी कॉन्सेप्ट वहीं से आपके क्लियर हो पाएंगे, तब आप 5.3 को अच्छे से समझ पाओगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. फाइंड टू कंजुकेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हूज सम इज 60. हमें दो ऐसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम 60 आ जाए. ओड का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिवाइड ना हो वो सब ओड नंबर होते हैं. पॉजिटिव मतलब प्लस वाले हो, ऐसा ना हो कि -1, -3 हो, ठीक है. तो 1, 3, 5, 7 ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो आंसर कितना आए, 60. अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ओड पॉजिटिव नंबर कैसे क्या होता है. जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 1 है तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, 3. कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 ले लो तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से नंबर लेने हैं. अब एक बार बताओ कि भाई 1 के बाद जब 3 आया तो हमें कितने ऐड करने पड़े, 1 में 2 ऐड करने पड़े तभी तो 3 आया. अब जब 3 के बाद 5 आया तो 3 में कितने ऐड करने पड़े, 2 ऐड करने पड़े, ठीक है. तो एक और नंबर के बाद जब अगला और नंबर आता है तो 2 ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है. ये बात आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी. अब देखते क्वेश्चन हमें कैसे करना है. लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया. तो सेकंड कौन सा होगा कि अगला ओड नंबर लेने के लिए 2 प्लस करने पड़ेंगे, अभी हमने देखा था. तो फर्स्ट को तो हमने एक्स मान लिया और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2. अभी प्लस 2 कैसे हो गया, क्योंकि एक ओड नंबर के बाद जो अगला ओड नंबर आएगा वो 2 एक्स्ट्रा होगा तो प्लस 2 आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, 60. तो हमने क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATTQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो हम एक्स में एक्स प्लस 2 को ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम किसके इक्वल क्या है क्वेश्चन में, 60 के. तो इक्वल किसके हो गया, 60 के. एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 60. अब यहाँ पे तो x है ही नहीं तो प्लस का 2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 2 हो जाएंगे. तो 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 2, तो 2x का 2x, 60 में से 2 गए 58, और ये 2x, ये जो x के साथ में 2 है वो कहाँ पहुँचेगा, डिनोमिनेटर में. 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29. तो हमारा फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने x माना था तो x की वैल्यू कितनी है, 29. तो मतलब जो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर है वो 29 है. नेक्स्ट हमारा 2 ज़्यादा था तो कितना हो जाएगा सेकंड वाला, 31. अब देखो 29 और 31 को ऐड कर लोगे तो 60 हमारा आ भी रहा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड आपको अपने आप करना है, बस ऑड की जगह पे क्या लिख देना, ईवन लिख देना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिवाइड 76 इंटू 2 पार्ट्स. 76 के दो हिस्से करने हैं और इस तरीके से करने हैं, बिगर पार्ट इज 3 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, कि जो बड़ा वाला हिस्सा है वो 3 गुना होना चाहिए छोटे वाले हिस्से के, ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द बिगर पार्ट, हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो x है. अब छोटा वाला पार्ट 76 माइनस एक्स हो जाएगा. अब ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ कैसे कैसे हमने किया था, ठीक है. तो ये चीज़ आप वहाँ से जाके समझ लेना, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा एक बार बता ही देता हूँ. अगर मान लेते हैं कि बड़ा वाला पार्ट हमारा एक्स है, दो नंबर लेते हैं, मान लो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 7. एक नंबर हमारा 7 है, सेकेंड नंबर हमारा 2 है, और इन दोनों का सम 9 आएगा, ठीक है. थोड़ी देर के सोच लेते हमें पता नहीं है 2 है. अब मैं कह रहा हूँ कि बड़ा वाला पार्ट जो है ये तो एक्स है, ठीक है, बड़ा वाला पार्ट एक्स है. तो छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा कि भाई जो 9 है उसमें से 7 को माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा. ऐसे ही जो हमारा एक्स है, जो हमारा सम है, सम कितना था 76, 76 में से हमें 7 माइनस करने पड़ेंगे और 7 की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसलिए 76 माइनस एक्स. ये चीज़ आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, वहाँ पे आप दोबारा एक बार समझ लेना, ठीक है. तो हमारा जो बिगर पार्ट है हमने एक्स मान लिया तो स्मॉलर पार्ट 76 माइनस एक्स हो गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिगर पार्ट हमने लिख लिया एक्स,
स्मॉलर पार्ट लिख दिया 76 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा है जो बड़ा वाला पार्ट है वो तीन गुना है छोटे वाले पार्ट से। भाई बड़ा वाला पार्ट तीन गुना है छोटे वाले पार्ट से, बड़ा वाला पार्ट बड़ा ही होगा, तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर थ्री की क्यों नहीं करी, यहाँ क्यों करी? देखो मैं 5 = 5 तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप कहोगे कि हाँ 5 तो 5 के इक्वल है। बताओ क्या मैं 5 = 15 लिख सकता हूँ या नहीं? 5 और 15 इक्वल होते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो मैं लिख ही नहीं सकता। तो मैं बड़े वाले पार्ट को और छोटे वाले पार्ट को इक्वल में तभी रखूँगा कि जब छोटे वाले को भी बड़ा कर दूँ या बड़े वाले को छोटा कर दूँ, है ना? बात समझ में आ रही है? तो अब छोटे वाले को मैं बड़ा कैसे करूँगा कि भाई ये छोटा वाला था तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 × 5 से कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे भी क्या है 15। अब बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है? तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने छोटे वाले पार्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर दी ताकि दोनों हमारे बराबर हो जाए। ये 3 गुना था, अब ये बड़ा है 3 गुना, तो हमने क्या करा इन दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि अब दोनों बराबर हो जाए। तो x का x इक्वल का इक्वल, 76 की मल्टीप्लाई 3 में 228, x की मल्टीप्लाई 3 में 3x। अब ये -3x जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो +3x हो जाएंगे, तो x + 3x इज इक्वल टू 228। 300 और x कितना होगा 4x इज इक्वल टू 228। अब 228 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 57। तो बिगर पार्ट हमने x बनाया था तो बड़ा वाला पार्ट तो 57 हो गया, स्मॉलर पार्ट हमने क्या बनाया था 76 माइनस x, तो 76 में से 57 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी 57, तो 76 में से 57 गए तो क्या हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द टू नंबर हूज सम एंड डिफरेंस आर 42 and 6 रिस्पेक्टिवली। ऐसे दो नंबर बताने हैं, अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तो 42 आता है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 6 आता है। लेट द फर्स्ट नंबर हमें पता नहीं, हमने मान लिया x, तो सेकंड नंबर 42 माइनस x हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करके 42 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे x से अगर x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x प्लस x कट गया तो क्या आ रहा है 42, तो मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 42 आ ही रहा है, ठीक है? ये चीज़ पिछली वीडियो में आप जाके समझ लेना। तो पहला नंबर मान लिया x, सेकंड नंबर 42 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है, क्योंकि ऐड वाला तो हमने देख लिया कि दोनों को ऐड करके तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी, मतलब नंबर मान लिया कि ये x है 42 माइनस x है। दूसरा इन्होंने कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस 42 माइनस x, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है, तो x में से हमने 42 माइनस x को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आंसर क्या आ रहा है 6। यही बात क्वेश्चन में कही है। तो x का x माइनस की वजह से 42 माइनस का हो गया, इस माइनस की वजह से ये x हमारा प्लस x हो गया इक्वल्स टू 6। प्लस x और प्लस x 2x, माइनस 42 जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस 42 हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 42 और 6 कितना हो गया 48। अब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर 24 और सेकंड नंबर 42 माइनस 24, 42 में से 24 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 को जितने भी सब नेचुरल नंबर होते हैं। 3 ऐसे लगातार नेचुरल नंबर बताने हैं जिनका सम अगर हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो 147 आना चाहिए, नंबर हमें बताने। अब देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सेकंड 2, थर्ड 3, तो 1 से 2 लेने के लिए 1 ऐड करना पड़ा, ठीक है ना? नेचुरल नंबर में हमें 1 प्लस करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर को हमने मान लिया x, सेकंड वाला क्या हो जाएगा x प्लस 1 और थर्ड वाला x प्लस 2, क्योंकि नेचुरल नंबर तो लगातार होता है जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है? तो फर्स्ट x हो गया, सेकंड x प्लस 1 एंड थर्ड x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर लेते तो 147 आता है, तो हमने तीनों को प्लस कर लिया x को, x प्लस 1 को और x प्लस 2 को, तीनों को प्लस किया इक्वल 147। x प्लस x प्लस x 3x, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 इज इक्वल टू 147, प्लस 3 वहाँ जाके क्या हो गए माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 147 में से 3 गए 144। अब 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो कितना था x था, x की जगह पे क्या आ गया 48, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया 48। सेकंड में 1 प्लस हो रहा था तो 48 प्लस 149, थर्ड में 2 प्लस हो रहा था तो 48 प्लस 2 50। अब देखो 50, 49 और 48 इन तीनों को ऐड अप करोगे तो 147 ही आपका आंसर आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल सेम है, द सम ऑफ थ्री कंजुकेटिव ओड नेचुरल नंबर इज 87। अब ये ओड नंबर है, फर्स्ट ओड नंबर 1, तो अगला 3 होगा, तो मतलब 2 प्लस करने पड़ेंगे, फिर अगले के लिए फिर से 2 प्लस करने पड़ेंगे, मतलब 4 प्लस करने पड़ेंगे, और तीनों को ऐड करके 87 आ रहा है, तो हमें नंबर बताने हैं। तो लेट द फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर मान लिया x, सेकंड ओड नंबर करें तो 1 के बाद 3 आता, 2 ऐड करने पड़ेगा तो x प्लस 2, फिर अगली बारी में फिर से 2 प्लस करने पड़ेंगे तो x प्लस 4, ये तीनों नंबर हो गए। इन तीनों का सम कितना का है 87, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 47, तो x 3x 4 इन टू 6 इज इक्वल टू 87 प्लस 87, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएंगे, सॉरी प्लस 6 राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएंगे, और 87 में से 6 गए तो 81 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 27। तो फर्स्ट ऑड नंबर हो गया 27, सेकंड 27 में 2 प्लस किया था तो 29, फिर 27 में 4 प्लस किया था तो 31। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टू थर्ड ऑफ ए नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि टू थर्ड ऑफ ए नंबर इज मोर देन 3/5 ऑफ द नंबर बाय 6। इसका मतलब है किसी नंबर का टू थर्ड ज़्यादा है उसी नंबर के 3/5 से, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो हमें नंबर बताना है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने मान लिया कि नंबर वो एक्स है हमारा, नंबर तो हमें पता नहीं था, तो हमने मान लिया कि नंबर क्या है एक्स, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कहा था कि हमें नंबर तो नहीं पता, हमने नंबर मान लिया एक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्स का टू थर्ड है, एक्स का टू थर्ड निकाल लिया, तो टू थर्ड ऑफ अ नंबर कहा था कि इस नंबर का टू थर्ड, तो इसका मतलब 2/3 और 3/5 3/5, इन दोनों में डिफरेंस 6 का है, वो कह रहा है कि ये वाला जो 2/3 पार्ट है वो ज़्यादा है 3/5 वाले पार्ट से, कितना ज़्यादा है 6, तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई एक्स में 2x/3, 3 की मल्टीप्लाई एक्स में 3x/5, बीच में क्या है माइनस। अब जब बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 के 10 15 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 10x, माइनस का माइनस, 5 के 10 में 15 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 6, 10x में से 9x गए तो खाली x बचा या 1x, और 15 की मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे, 15 6 जा कितना आंसर आ जाएगा 90, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब एक पिता की आयु अपने बच्चे की आयु से 3 गुनी है, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुनी, अगर बच्चा 2 साल का है तो पिताजी 6 साल के, ठीक है, बच्चा 10 साल का है तो पिताजी 30 साल के, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद ही विल बी ट्वाइस, जो उसके पिताजी है वो 2 गुने हो जाएंगे उसके बेटे से, तो हमें एज बतानी है कि कितनी है, कि बच्चा कितने साल का है, उसके पिताजी कितने साल के हैं। देखो लेट द एज ऑफ सन, हमें नहीं पता बेटा कितने साल का, हमने मान लिया कि वो बेटा जो है एक्स साल का है, और फादर कितने साल के हो जाएंगे 3 गुना है, तो मतलब 3x हो जाएंगे, 3 टाइम्स बोला था क्वेश्चन में, तो 3 की मल्टीप्लाई कर ली। आफ्टर 15 ईयर 15 साल बाद, अब मान लो कि तुम अपने आप को बच्चा मानो और अपने पापा को सोचो, ठीक है, दो चीज़ सोचो कि तुम बच्चे हो इस क्वेश्चन में, तुम्हारी एज एक्स है, तुम्हारे फादर की एज जो है वो 3x है, 15 साल बाद तुम भी 15 साल ज़्यादा हो जाओगे, तुम्हारे पापा भी 15 साल ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, दोनों की एज ही तो बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी है कि मान लो तुम्हारे सन की एज बढ़ रही है फादर की उतनी रह रही है, ऐसा थोड़ी होगा भाई, अगर बच्चा बढ़ रहा है तो साथ साथ पिताजी भी बढ़ रहे हैं, और पिताजी बढ़ रहे तो साथ साथ बच्चे ही बढ़ रहे हैं, है ना, तो एज दोनों की प्लस होगी, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, अगर वो आज एक्स का है तो 15 साल बाद वो 15 साल बड़ा हो जाएगा, तो एक्स प्लस 15, फादर अगर आज 3x का, तो वो भी 15 साल बाद 3x प्लस 15, 15 साल बड़े ही हो जाएंगे जितने वो आज है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि सन की एज x प्लस 15, फादर की एज 3x प्लस 15, तो उसने कहा जो 15 साल बाद जो ये एज है उसमें जो फादर की एज है वो 2 गुनी हो जाएगी, भाई बड़े तो पापा ही रहेंगे, है ना, तो अब बेटा छोटा है, कितना छोटा है, बेटा आधा हो गया इस बार, पिताजी उसके दुगने हो गए, लेकिन जब इक्वेशन बनाते हैं तो हमें छोटे को भी बड़ा करना पड़ता है, तभी तो दोनों को बैलेंस इक्वेशन बैलेंस होगी, तो हमने क्या किया सन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करी,
सन वाले में 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि बेटा छोटा था भाई, छोटा नंबर और बड़े नंबर को हम इक्वल थोड़ी लिख सकते हैं, इक्वल तो तब लगेंगे जब दोनों नंबर बड़े बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x, 2 की मल्टीप्लाई 15 में 30, इक्वल का इक्वल 3x प्लस 15, यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर ही लोगे, प्लस 3x यहाँ आएगा माइनस 3x, प्लस 30 वहाँ जाएगा माइनस 30, तो 2x में से 3x गए माइनस x, 15 में से 30 गए माइनस 15, x माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो जो बेटे की एज थी वो 15 ईयर्स की थी, फादर 3 गुने थे तो 15 थ्री जा 45, जो फादर की एज थी वो कितनी थी 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मैन ट्रैवल 3/4 ऑफ हिज जर्नी बाय बस, मतलब एक आदमी जो ट्रैवल करने गया था, उसने कुछ थोड़ी देर वो बस से चला, फिर थोड़ी देर साइकिल से चला, बाकी पैदल चला, तो हमें बताएं कि टोटल उसकी जर्नी कितनी बड़ी थी। उसने कहा कि जो वो बस से चला वो टोटल जर्नी का 3/4 पार्ट था, जब वो साइकिल से गया तो वो टोटल जर्नी का 1/5 पार्ट था, बाकी जो बची हुई जो डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर की वो उसने पैदल चली, तो टोटल जर्नी हमें बतानी है कि वो कितनी दूर गया। देखेंगे तो लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, हमें पता नहीं कितना था तो हमने मान लिया कि उसकी जो टोटल जर्नी थी वो x किलोमीटर की होगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस तो उसने कहा कि 3/4 कवर किया है तो 3/4x हो गया। डिस्टेंस कवर बाय साइकिल, साइकिल से कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने 1/5, तो x 5 हो गई, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, तो x 5। डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, पैदल उसने कितना किया था 1 किलोमीटर, फिर वो पैदल चला था भाई, इतना बस से, इतना साइकिल से और इतना पैदल, तो तीनों को मिला गया तभी तो टोटल जर्नी हुई होगी भाई। कुछ दूर तो पहले बस से चला, मान लो उसे यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ ए पॉइंट से उसे बी पॉइंट तक जाना था, अब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक तो मान लेते हैं वो बस से चला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वो चला साइकिल से, और यहाँ से यहाँ तक चला वो पैदल, तो बस वाली, साइकिल वाली और पैदल वाली तीनों को ऐड करके तो वो ए से बी तक पहुँचा, टोटल जर्नी तो वही हो जाएगी जब तीनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो बस वाली, ये पैदल वाली और बाकी बचा हुआ 1 किलोमीटर को मिला के टोटल जर्नी हो गई, और टोटल जर्नी क्या मानी थी हमने x, तो आप क्या करेंगे, इसके प्लस 1 वहाँ जाएगा तो माइनस 1 हो गए, और x वाले सब एक साइड आया था तो प्लस x यहाँ आ गया तो माइनस x, इन तीनों का एलसीएम ले लिया 4 और 5 का तो कितना आ गया 20, 4 के टाइम में 25 टाइम तो 3 5 15x, प्लस 5 के टाइम में 5 के टाइम में 24 टाइम तो 4 के मल्टीप्लाई x में 4x, 1 के टाइम में 20 टाइम, 20 की मल्टीप्लाई x में 20x इज इक्वल टू माइनस 1, 15 अन 4 कितना होगा 19x माइनस 20x अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 1, 19 में से 20 गए तो माइनस 1, माइनस 1x लिखो मत लिखो, माइनस x ही लिख दो, अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 के मल्टीप्लाई 1 में 20 तो उसकी जो टोटल यात्रा थी वो कितनी थी 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर आर ओनली 10 पैसे कॉइन इन ए पर्स, एक पर्स में खाली 10 पैसे के सिक्के हैं, जो टोटल उनका अगर हम देखते हैं तो उनकी जो अमाउंट है वो 45 रुपीज़ हो जाती है, तो हमें बताना है कि उस पर्स में कितने सिक्के हैं। तो देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें नहीं पता पर्स में कितने सिक्के हैं तो हमने क्या मान लिया एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बात समझ लो कि भाई मान लेते हैं कि आपके पास 10-10 के नोट हैं, ठीक है, 10-10 के आपके पास 5 नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 50 रुपीज़ हो गए नहीं हो गए, भाई 10-10 के आपके पास 5 नोट हैं तो आपके पास 50 रुपीज़ हो गए, तो जितने भी नोट हैं और जितने का नोट है दोनों की मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चल जाता है कि कितने रुपये हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि हमें तो पता नहीं कितने कॉइन है, तुमने मान लिए x, लेकिन है कितने पैसे के, 10 पैसे के, इसलिए 10 की मल्टीप्लाई x में कर ली तो 10x, तो हमारे पास इतने रुपए हो गए, अभी रुपए में चेंज हो गया, अब यहाँ पे भी रुपए लेंगे, अब मतलब लेकिन ये तो 10 के पैसे थे ना, और यहाँ पे 45 रुपए है तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई किससे हो गई 100 से, ये 100 इसलिए आया क्योंकि 45 तो रुपीज़ है, यहाँ पे क्या है पैसे, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पैसे ही होने चाहिए, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 100, जब रुपए को कन्वर्ट करते हैं पैसे में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 45 की मल्टीप्लाई 100 में 4500,
और यहाँ पे 10 अपॉन में आएगा तो 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 450, तो उसके पर्स में 450 कॉइन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल, सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा, कोई वस्तु खरीदी और उसे बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है। हैड ही बॉट 20 लेस, अगर वो उसे 20% कम में खरीदता और उतने में ही बेचता जितने पहले बेची, तो हमें बताने की कितने का उसे प्रॉफिट जो है कितने परसेंट का होता। क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब दोबारा समझाता हूँ कि भाई हमने कोई चीज़ खरीदी और उसे हमने जो है 20% के प्रॉफिट पर बेच दी, अगर हम उसे और सस्ती खरीद के लाते और उतने में बेचते जितने में पहले बेची थी, तो तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो इसमें हम CP को X भी मान सकते थे, लेकिन X से थोड़ा हार्ड हो जाता तो हम क्या करेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द CP इज इक्वल टू 100, कि हमने वो चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, हमें 20% का प्रॉफिट होता, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 50% 50 होता है, तो इसलिए 100 का 20% 100 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब हमने कितने में बेची होगी भाई, 100 रुपये की खरीदी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 120 रुपये में बेची, 100 की खरीदी 20 का प्रॉफिट, तो 120 रुपीज़ में हमने उसे बेच दिया होगा, SP मतलब सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द CP, अगर CP 20% कम, अगर वो 100 रुपये की चीज़ को 20% कम में खरीद के आता, इसका मतलब भाई 100 का 20% और 20 होता है, अगर वो 20 रुपये कम में खरीद के लाता भाई, 100 रुपये की चीज़ थी, इसका मतलब कितने में खरीद लेता, 80 रुपये में खरीद लेता, बेचता उतने की ही, कितने की बेची थी 120 की, अगर वो 80 में खरीदता और 120 रुपये में बेचता, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना होता। अब उसे कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 80 की लाया था, आप सोचो आपको चीज़ 80 रुपये की लेकर आए और 120 रुपये में जाके उसे बेच दी, तो आपका 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 की आपने खरीदी थी, सॉरी 120 की आपने बेची है, लाए तो आप 80 रुपीज़ की थे, तो 40 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट ना बता के क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बताते हैं कि भाई जितने का प्रॉफिट हुआ उसे न्यूमिनेटर में लिखते हैं, CP डिनोमिनेटर में आ जाता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये बाकी जो ये जो क्वेश्चन है, जब प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, तब उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। तो प्रॉफिट कितने का था, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट तो हमें 40 रुपीज़ का हुआ, और खरीदी हमने कितने की, 80 रुपीज़ की, और मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई 100, 40 के टाइम में 80 आया 2 टाइम, 2 से 100 को कैंसिल किया 50 टाइम, तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 50% का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है इसने, हाउ मच एसिड शुड बी एडिड टू 200 ml ऑफ 10% सोल्यूशन टू स्ट्रेंथन इट टू 20% एसिड सोल्यूशन। मतलब कि एक हमारे पास सोल्यूशन है 200 ml का, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें जो है 10% एसिड है, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो 200 ml है, उसमें 10% क्या है, एसिड है। अब हमें 10% एसिड को 20% एसिड में चेंज करना है, तो हमें कितना एसिड और डालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर मैं नॉर्मल वे में समझाऊं, तो ऐसा सोचो कि आपने घर पर शिकंजी बनाई, ठीक है, आपने नींबू डाल दिया पानी में, नींबू डाला, और नींबू डालने के बाद आपने देखा भाई अभी तो ज़्यादा खट्टा है नहीं, थोड़ा सा और खट्टा कर लेते हैं, एक नींबू और डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको नींबू इतना डालना है ताकि उस पूरे जो आपका पानी का गिलास है जिसमें शिकंजी है, तो उसमें जो नींबू है वो 20% हो जाए। अभी तो 10% नींबू डाला आपने, बाद में कितना हो जाए, मतलब 20% हो जाए, इस तरीके से कहना चाह रहे क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन कितना है, 200 ml का है, उसमें एसिड कितना है, 10% है, 10% का मतलब 200 का 10% होता कितना है कि 200 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब उसमें जो 20 ml है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। 200 ml में से 20 ml तो कितना हो गया, एसिड, तो बिना एसिड के जो सॉल्यूशन है वो तो 180 ही रहा। अगर मैं एसिड को हटा दूं, तो बिना एसिड का जो बचा हुआ पानी है वो कितना हो गया, 180 ml हो गया। हमने मान लिया लेट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिड मोर एसिड, अब हमने उसमें और एसिड डाला, अब हमें पता नहीं एसिड कितना हो गया, जब हमने मान लो और कुछ चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, अब पता नहीं कितनी ज़्यादा हो गई, तो हमने क्या मान लिया एक्स, कि क्वांटिटी बढ़ने के बाद और एसिड डालने के बाद हमें नहीं पता वो सॉल्यूशन कितना हो गया, तो हमने मान लिया वो सॉल्यूशन
एक्स एम एल हो गया, पर हमें ये पता है कि अब जो उसमें एसिड है वो कितना है 20%, तो इसका मतलब एक्स का 20% एक्स मल्टीप्लाई बाई 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल, या सीधा 25/100 एक्स अपॉन 5, तो इसमें जो एक्स अपॉन 5 एम एल है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, बिना एसिड का कितना था हमारे पास, 180 था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विदाउट एसिड कितना था, 180 था। इतना हमने क्या मिला लिया, एसिड, एक्स अपॉन 5 का ऐड कर दिया एसिड, तो दोनों को मिला के ही तो नया वाला सॉल्यूशन बना था, कि और एसिड डाला और बिना एसिड वाला, दोनों को ऐड करके जो है वो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कितना था, एक्स। तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल हो जाएगा वो एक्स के। 1N5 का एलसीएम 5, 1 के टर्म में 5 5 टाइम, 180 की मल्टीप्लाई 5 में 900, 5 के टर्म में 5 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में, एक्स इज इक्वल टू एक्स, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, और 900 प्लस एक्स एज इट इज़ है, प्लस एक्स जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक, तो 500 में से एक्स गए तो 4x इज इक्वल टू 900, और 900 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। तो एडिड एसिड, पहले हमारा कितना सॉल्यूशन था, 200 था, अब नया वाला कितना हो गया, 225 हो गया। इसका मतलब हमने 25 ml और डाल दिया भाई। पहले गिलास में पानी सोचो 200 ml था, अब देखा थोड़ा सा, अब देखा तो अब हो गया वो 225 ml, तो मतलब 25 ml बढ़ गया। वही हमसे पूछा कि हमने डाला तो एसिड ही था, तो मतलब कितना एसिड डाला, 25 ml एसिड हमें और डालना पड़ गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।